हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंसैट नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में एसएसटी का लास्ट प्रैक्टिस पेपर करेंगे। प्रैक्टिस पेपर 10 और सेट है 20 एसएसटी का, ठीक है। और थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ये जनरल पेपर का ही एसएसटी वालों का है, तो देखिए एसएसटी जो सोशल स्टडीज़ ये हम जब सब्जेक्ट रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पेपर 10 सेक्शन है जिसमें ऑप्शनल वाला जो है वो एसएसटी वाले जो हैं उनके लिए है ये वाला पेपर, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक बार आप लोग, इसमें काफ़ी डेप्थ में भी क्वेश्चन हैं और कुछ ऊपर ऊपर हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो अगर जनरल एक पेपर होगा जो सबके लिए होगा, अगर उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर जहाँ पर हमने डीपली थोड़ा सा बताया है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा जनरल पेपर के लिए, वो सिर्फ एसएसटी वालों के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 10, आज एसएसटी फिनिश हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा जो है वो कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता है। नेक्स्ट है, एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा जनरली हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ मिलता है हमें, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, असम में है वो। लेकिन ये वेस्ट, उधर उससे मिला हुआ क्या है, वेस्ट बंगाल भी है, तो वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल और असम, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका प्रमुख कारण है? देखिए नागालैंड साइड जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो एग्रीकल्चर पूछा जाता है किस टाइप का होता है, एक मेथड होता है ना, हर कृषि विधियाँ, हर मेथड होता है कृषि का, तो वहाँ पर झूम खेती की जाती है। झूम में क्या होता है कि वहाँ पर बर्न जला देते हैं वो लोग पूरा, इस तरह से वहाँ पर क्या होता है कि वो जो जगह होती है, वो जो प्लेस होती है, वो बंजर होती जा रही है, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो उसकी मेन वजह यही है कि झूम कृषि वहाँ पे होती है। नेक्स्ट हो गया, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? देखिए कार्बन निगेटिव देश जो है ये भूटान है, और ये बहुत अच्छी बात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कार्बन निगेटिव देश भूटान है, और इसको एक और इसका नाम होता है जिसके लिए फेमस है भूटान, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ये भी पूछा जाता है कि ये किसे कहा जाता है, द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ठीक है, तो वो भूटान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूएन ने निम्न में से किस से 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया था? 11 से लेकर 20 तक जैव विविधता दशक उसने ये स्पेसिफिक कर दिया था, यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये उसने जो है घोषित कर दिया था इस नाम से, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दशक, ठीक है, 11 से लेकर 20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करनी है, टेराकोटा, देखिए ये गोरखपुर, टेराकोटा क्या होता है, रेड टाइप की एक मिट्टी होती है, तो ये फेमस है गोरखपुर, इसके लिए फेमस है। लकड़ी के खिलौने ये वाराणसी हो जाएगा, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। चीनी मिट्टी के बर्तन ये चिन्हट हो जाएगा, और कांच का सामान ये फिरोजाबाद है, कांच का सामान कहें चूड़ी कहें ये फिरोजाबाद हो जाएगा, तो यहाँ से आप इसको मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर भी मैच करना है, ये बुद्धिज्म से है, कुछ साइन मिलते थे वहाँ पर, और तो जन्म में क्या हुआ था, कमल, जन्म का साइन था कमल। प्रथम प्रवचन जो उन्होंने फर्स्ट अपना प्रवचन दिया था उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। थर्ड है महाबोधि, ये क्या हो गया, बोधि ट्री, जिसके नीचे इन्हें एनलाइटमेंट हुआ था, बोधि वृक्ष, तो महाबोधि से कहा जाता है। त्याग, त्याग का किसका साइन है, त्याग का साइन है घोड़ा, ठीक है, घोड़ा जो है वो इनके सैक्रिफाइस का साइन है, ठीक है, तो ये यहाँ से इसको आप मैच करा लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो देखिए जम्मू कश्मीर के साइड में बुर्ज होम, ये एक प्लेस है, यहाँ पर ह्यूमन बॉडी के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, यहाँ से पूरे स्केलेटन मिले, कंकाल मिले हैं, और यहाँ पर बहुत गड्ढे वाले जो घर होते हैं वो भी देखने को मिले हैं, यहाँ से उसके भी एविडेंसेस मिले हैं, तो बुर्ज होम याद रखिएगा, ये श्रीनगर के साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति, सबसे ज़्यादा एरिया में जो रहती है, आम की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं सबको पता है, तो इसमें से है दशहरी, ठीक है।
नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है तो फूड ग्रेन्स के लिए है, खाद्यान्न के लिए। नेक्स्ट है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। और ये सेकेंड नंबर पर सबसे बड़ी है, जो हड़प्पन जितनी भी साइट्स हैं उनमें सबसे सबसे बड़ी जो है वो राखीगढ़ी है, सेकेंड नंबर पर धौलावीरा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली एरिया में, ठीक है, यूपी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, निष्क एक उस टाइम पे क्या था, एक आभूषण था, वो गले का हार था, ठीक। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी है, उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। तो ये सारी ही जो है ये फैक्टर्स हैं निम्न लिंगानुपात के लिए, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था, शक संवत स्टार्ट हुआ था 78 ईस्वी पूर्व, और ये किसके थ्रू हुआ था, ये कुषाण डायनेस्टी के रूलर कौन थे, कनिष्क थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, अभिलेख हैं और शासक हैं, नासिक, गौतमीपुत्र, ये बिल्कुल सही है, गौतमीपुत्र का नासिक अभिलेख है, हाथीगुम्फा खारवेल का अभिलेख है, भीतरी ये पुलकेशिन द्वितीय, ये गलत है, ये रॉन्ग है, गिरनार रुद्र दमन फर्स्ट, ये बिल्कुल सही है। देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है इनका एहोल है, एहोल इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन टू का, और ये भीतरी जो आपका अभिलेख है ये स्कंदगुप्त के लिए, स्कंदगुप्त का है, ठीक है, यहाँ से स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है, ठीक है, भीतरी का याद रखिएगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी। देखिए जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग मणिपुर है, वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है वो केरला की है, ठीक है, केरला की है 94 पॉइंट समथिंग है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मिजोरम है, फिर गोवा है, ठीक है, फिर गोवा है, तो ये हैं तीन, और फिर इसके बाद त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश है, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा केरला की है। नेक्स्ट है, कलहर द्वारा रचित राज तरंगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, कलहर द्वारा रचित राज तरंगड़ी इसमें कश्मीर के इतिहास का के बारे में है, कश्मीर के इतिहास के बारे में, ठीक है, तो इससे रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया, देखिए हिंदू वर्ड का सबसे पहले यूज़ किया गया अरबों के थ्रू, ठीक है, अरबों ने किया, और यूनानी ईरानी इन सब ने भी अलग अलग वर्ड्स स्पेसिफिक यूज़ किए हैं, तो ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं, यूनानियों ने इंडिया वर्ड यूज़ किया और ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, जो हिंदू वर्ड का यूज़ हुआ वो अरबों ने किया सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, युद्ध किस जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, मुस्लिम शक्ति की स्थापना कब से हुई, जो तराइन का सेकेंड बैटल थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की, तो उसके बाद से मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गई थी, ठीक है, कब हुई थी, 1192। नेक्स्ट है, अलबरूनी भारत में आया था, अलबरूनी आया था गजनवी के टाइम पे आया था, तो ये ग्यारहवीं शताब्दी हो गया, ठीक है, 11वीं शताब्दी में अलबरूनी आया था, ये एक हिस्टोरियन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी, देखिए दीवाने अमीर कोही जो डिपार्टमेंट था ये किसानों के लिए था, और इसमें इनको क्या होता कि डायरेक्टली जो है वहाँ से वो हेल्प ले सकते थे, मदद ले सकते थे, तो ये कृषि से रिलेटेड था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है जा सकता है, तो प्रबुद्ध निरंकुश जो था ये अकबर को कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने मुख्तया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था, देखिए जहांगीर के टाइम पे जो कला थी आर्ट कल्चर की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे चित्रकला सबसे ज़्यादा, तो चित्रकला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, तो देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है मीर जाफर और मीर कासिम में, तो याद रखिएगा मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को
ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि क्या हो रहा था कि मुर्शिदाबाद जो था वहाँ पर अंग्रेज़ों का ज़्यादा इंटरप्शन, वो कुछ ज़्यादा ही था, तो इसलिए मुंगेर को फिर इसने ट्रांसफ़र कर लिया था अपनी कैपिटल को, मीर कासिम था। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। देखिए कर्नाटक वॉर जो हुई थी वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी, ठीक है, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच में हुई थी। इनमें आपस में था कि अंग्रेज़ों ने कुछ जहाज़ों पर, फ्रांसीसी जहाज़ों पर अपना कब्ज़ा कर लिया था, तो फिर ये उसकी वजह से फिर ये बैटल होती है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 केंद्र और खनिज। माकूम ये कोयला हो जाएगा, डल्ली राजहरा ये आपका लौह अयस्क आयरन ओर हो जाएगा, कोरापुट ये बॉक्साइट हो जाएगा, और चित्रदुर्ग ये मैग्नीज हो जाएगा। इसको यहाँ से मैच करा लेगा। नेक्स्ट देखते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्या होता है, गलत हो जाता है कि हैदराबाद का निज़ाम सब लगा देते हैं। देखिए जब भी पूछा जाए कि वेलचली के थ्रू, वेलचली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो हैदराबाद का निज़ाम आ जाएगा, हैदराबाद आ जाएगा। अगर सिंपल पूछा जाए कि सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला पहला शासक कौन था, तो अवध आएगा, ठीक है। अवध का नवाब, इसने सबसे पहले सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। देखिए इसको तो हमने काफ़ी छोटी सी एक टेबल बना के बताया था कि कब कौन से ईयर में हुआ था, तो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा वो, तो इसको हम पूरा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन अवध का विलय हुआ था 1856 में, ठीक है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था, तो ये कैनिंग, कैनिंग पूछा जाता है, कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ था, विडो री मैरिज एक्ट आया था, पास हो गया था, और जो इंडियन थे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था इसके पीछे, तो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है। देखिए इल्बर्ट बिल विवाद ये आया था रिपन के टाइम पे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। क्या होता था कि यूरोपियन के लिए अलग जस्टिस हो जाता था और इंडियंस के लिए अलग हो जाता था। एक तरीके से देखा जाए कलर और कास्ट को लेकर जो है वहाँ पर इनजस्टिस होता था, तो अलग अलग फैसले लिए जाते थे। तो ये चीज़ को उसने क्या कर दी थी, इक्वालिटी कर दी थी। इसने कहा था कि जो पावर्स है, जो इंडियन जज को पावर है, वही पावर यूरोपियन जज को इक्वल होगी, ये नहीं कि इंडियन जज है तो उसे कम रहेगी, इक्वल पावर कर दी थी, ठीक है। उसके बाद जो केसेस ऐसे थे जिनमें अलग अलग इनजस्टिस था यूरोपियन और इंडियंस के बीच में, उनको सबको रद्द कर दिया था। तो इसके बाद क्या होता है, यूरोपियन जो लोग थे वो ऑब्वियसली वो भड़क जाएंगे थोड़ा सा, तो उनको अपने अगेंस्ट ये लगा था ये रूल। तो ये एक क्या था, बिल था, इल्बर्ट बिल जो पास हुआ था वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो उसके बाद क्या होता है, फिर काफ़ी ज़्यादा डिबेट होती है इस पर, और फिर रिपन जो होता है वो अपने टेन्योर से पहले ही वो क्या कर देता है, रिज़ाइन कर देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आरंभ हुई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह ये आपके मालाबार में हुआ था, केरला के मालाबार में, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि इसकी वजह क्या थी, इसका कारण क्या था, तो स्टेटमेंट ऑप्शन में होते हैं। तो इसके देखिए मेन दो रीज़न थे कि एक तो ये था कि जो ज़मींदार थे वो बहुत ज़्यादा जो है जुल्म कर रहे थे अपने जो काम करने वाले उनके अंडर में होते थे ज़मींदार जो थे, तो वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। और दूसरा रीज़न ये था कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी वो उनके अगेंस्ट ये विद्रोह था, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी, एक ज़मींदारों के अगेंस्ट और एक ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने थोप दी थी उनके अगेंस्ट ये पूरा विद्रोह था, मोपला विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। देखिए पटना पटना और एक ये भी पूछा जाता है जगदीशपुर, तो याद रखिएगा जगदीशपुर भी कभी कभी स्पेसिफिक पूछ लेते हैं, तो वहाँ के थे कुंवर सिंह, इन्होंने नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट है समाचार पत्र हैं और यहाँ पर संपादक है, तो हिंदू है सुब्रमण्यम अय्यर का, इसके संपादक हैं सुधारक ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और वॉइस ऑफ इंडिया ये नौरोजी हैं, और बंगाली एसएन बनर्जी हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऊधम सिंह ने लंदन में मारा। देखिए ऊधम सिंह ये इन्होंने क्या किया था, जो आपका जलियांवाला बाग मैसेकियर हुआ था उसमें जो जिसने ऑर्डर दे दिया था कि गोलियां चलाने का, ओ डायर जो बहुत फेमस है उसको जो है मारा था, ओ डायर को ऊधम सिंह ने बाद में इसी के रिवेंज में।
नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? जो राजा टाइटल मिला था वो किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर टू ने दिया था, ठीक है। बाद में से ये एम्बेसडर बना के ब्रिटिशर्स के वहाँ पर भेजता है, तो इसकी पेंशन को थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो फिर वहीं पे क्या होता है, कुछ टाइम के बाद राजा राम मोहन रॉय की डेथ हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, अकबर टू ने इसे ये टाइटल दिया था राजा का। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, ये बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये रॉन्ग है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी लंदन हुआ था, ठीक है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये भी ठीक है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई, ये गलत है क्योंकि ये हुआ था कलकत्ता में। तो दो आपके 2 और 4 रॉन्ग हैं, तो ये 2-4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र, ये जो आपका बे ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी जो है वहाँ के ऊपर पे ये प्लेस है, जो ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए बहुत फेमस है, लुनेस पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र, ठीक है, ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? अभी बताया था हमने, कैनिंग के टाइम पे हुआ था, और ये 1856 में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? देखिए, एक स्पेसिफिक शेप में कुछ स्टार्स निकलते हैं, तो वो उसी शेप में हमेशा निकलते हैं, तो उनको कहते हैं, उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को नक्षत्र कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, या फिर कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, MP। नेक्स्ट है, जैव विघटित प्रदूषक है, जैव विघटित प्रदूषक है, ऐसा कौन सा पॉल्यूटेंट है? वो है वाहित मल। नेक्स्ट है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है, बड़ा नुकसान हो रहा है, उसका मेन रीज़न यही है कि जो बहुत ज़्यादा दोहन करने का है, अत्यधिक दोहन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेचुरल जितना भी इन्वायरमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक आवासी विनाश, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? सबसे पहले शून्यता का सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक हैं नागार्जुन, ठीक है, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुगम्य भारत अभियान, ये रिलेटेड है हैंडीकैप जो पर्सन होते हैं उनके लिए सार्वभौमिकता सुगमता से, इनके लिए क्या है कि जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट की फैसिलिटी है और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ये इनको थोड़ा आसानी से मिल जाए, तो इसके लिए हैंडीकैप लोगों के लिए, तो ये सुगम्य भारत अभियान इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ये है CDA, यानी कि सिविल डिफेंस एक्ट, तो ये लागू किया गया था 1968 में, ठीक है, 99 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दादर नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी, देखिए दादर नागर और दमन दीव दोनों को फिर से कंबाइन कर दिया गया एक यूटी में, और इसकी एक कैपिटल जो है वो है दमन, तो राइट सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ये लास्ट 50 क्वेश्चंस फिनिश जाते हैं, SST आज कंप्लीट हो गई है, और आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। इसकी PDF, सारी PDF इससे पहले तक हम दे चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिस पेपर 9 तक सारी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर चुके हैं, ये आज इसको शाम तक हम अपलोड कर देंगे, इसे भी। थैंक यू सो मच।